फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एई किचन्स। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे तड़के वाला दही। इसमें मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगी कि कुछ लोग का दही डालते ही फट जाता है, या मलाई, दूध, कुछ भी वो वेजिटेबल में यूज करते हैं तो वो फट जाता है। आज हम इस तरह से बनाएंगे कि आपको ऐसे मैं टिप्स और ट्रिक्स दूंगी कि जिससे आपका दही, मलाई, दूध कभी भी सब्जी में फटेगा नहीं, बहुत ही बढ़िया सब्जी बनेगी। तो स्टार्ट करेंगे रेसिपी बनाना। दही तड़का बनाने के लिए ये देखिए, मैंने 400 ग्राम दही लिया है, यानी 400 ग्राम ये दही है। इसको फ्रेंड्स मैंने थोड़ी देर छन्नी में रख के इसका थोड़ा पानी निकाल लिया ताकि हमें बिल्कुल गाढ़ा दही मिले और इसको हम बिल्कुल स्मूथ सा कर लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल स्मूथ बना लेंगे इसको हम। इसमें अब मैं डालूंगी 3-4 छोटे चम्मच, ये काजू का पेस्ट है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ऑप्शनल है डालना। 5 चम्मच मैंने डाल दिए, बिल्कुल ऑप्शनल है डालना काजू का पेस्ट। अगर हम डालेंगे तो जो हमारा दही तड़का है वो बहुत ही रिच और क्रीमी बनेगा। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें डालेंगे हम सभी सूखे मसाले। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 से थोड़ा सा ज्यादा नमक डालना है, बाकी आप अपनी लाइकिंग के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। लाल मिर्च, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, मिक्स कर लेंगे इनको भी अच्छे से। ये देखिए, ये अच्छे से मैंने दही में मिक्स कर लिया सब कुछ। ये मेरे पास 1 छोटा चम्मच बेसन है, ये डालना दही तड़के में जरूरी है। इसको अभी हम ड्राई रोस्ट सा करेंगे। ये देखिए, इस तरह से 1-2 मिनट स्पून चलाते हुए इसको हम रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट कर लिया बेसन मैंने, कटोरी में निकाल लिया उसको। अब एक पैन में मैंने 2 बड़े चम्मच सरसों ऑयल लिए हैं, इसको गरम कर लिया अच्छे से। और ये एक मीडियम साइज का प्याज हम इसमें डालेंगे और लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम पकाएंगे ऑयल में। प्याज हल्की गोल्डन ब्राउन होने पर 1 छोटा चम्मच इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसको पेस्ट को भी कुक कर लेंगे प्याज के साथ थोड़ा। अब इसमें हरी मिर्च और एक मीडियम साइज का ही टमाटर ऐड कर देंगे। थोड़े थोड़े मसाले तड़के में भी ऐड कर लेंगे, बिल्कुल 1/4 टीस्पून जितनी हल्दी, थोड़ा सा ही 1/4 टीस्पून जितना नमक, लाल मिर्च और धनिया, मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे जो हमने बेसन भून के रखा था, रोस्ट किया था, वो ऐड कर लेंगे 1 टेबल स्पून। अब जो हमने मिक्सचर रखा था दही और काजू का, वो इसमें ऐड करेंगे धीरे धीरे। फ्लेम थोड़ा हाई कर लेंगे और कंटिन्यूअसली इसमें हम स्पून चलाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अगर हम दही तड़का बनाते हैं तो दही बिल्कुल भी नहीं फटेगा हमारा। इसमें आप पनीर ऐड करके बढ़िया सी डिश पनीर की भी बना सकते हैं इसे। और ये हमारा दही बिल्कुल रेडी है। इसमें अब हम डालेंगे हरा धनिया, हरा धनिया ऐड कर लिया, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब फ्लेम को मैं कर दूंगी ऑफ और इसको सर्व करते टाइम हम एक छोटा सा तड़का और लगाएंगे ताकि ये और भी टेम्प्टिंग और यमी बने। ये देखिए, 1 चम्मच मैंने देसी घी लिया है तड़का पैन में, इसमें हम डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच जीरा। जीरा थोड़ा सा चटक जाएगा तो इसमें हम डालेंगे ये मोटी वाली लाल मिर्च और हम डालेंगे इसमें कसूरी मेथी।
एक छोटा चम्मच। फ्लेम को कर देंगे ऑफ। हल्की सी इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, कश्मीरी लाल मिर्ची। बस अब मैं आपको ये सर्व करके दिखाती हूँ। अब ये जो तड़का बनाया था वो इसके ऊपर डाल देंगे। देसी घी का तड़का बहुत ही यम्मी लगता है। ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे थोड़ा। बढ़िया सा दही तड़का बनकर बिल्कुल रेडी है। इसे आप नान, चपाती, जीरा राइस किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। इसमें अगर हम पनीर क्यूब्स डाल लेंगे तो ये बढ़िया सी पनीर की डिश भी बन जाएगी। मतलब ये किसी भी तरह की ग्रेवी के भी यूज आ सकता है। तो ट्राई कीजिए और कमेंट्स में भी जरूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। पसंद आने पर लाइक शेयर भी कीजिए। फ्रेंड्स, मेरी नेक्स्ट रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।